फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये मेरा चांदनी का प्लांट है और काफ़ी बड़ा हो गया है, 3 फीट के करीब हो गया है और ये छोटी सी बकेट में लगा हुआ है प्लास्टिक की। तो ये इसमें प्रॉब्लम ये है, मैंने पानी भर के भी रखती हूँ एक बास्केट में और खाद वगैरह भी मैंने दे रखी है, मगर फिर भी इसमें पानी सुबह में दो, दोपहर तक ख़त्म, दोपहर में दो, शाम तक ख़त्म, तो दिक्कत हो रही है इसमें। और काफ़ी फ्लावरिंग भी अच्छी हो गई है, देखिए कितनी बर्ड्स आ रही हैं, ये देखिए, और ये भी आ रही हैं, और ये कुछ तो स्पेंड भी हो गए हैं, मगर वही दिक्कत है कि इसमें पानी की समस्या बहुत हो रही है। तो बड़ा प्लांट हो गया है और प्लांटर है छोटा, तो इसमें रूट बॉन्डिंग हो गई है, तो मैं इसे निकाल करके बड़े पॉट में लगाना चाह रही हूँ। देखिए कितनी सारी रूट निकली हुई है बाहर इसके, तो दिक्कत तो हो ही रही है। साथ में ये बाल, ये 4 o'clock भी आ गया है, तो इसे भी निकाल करके मैं कहीं अलग शिफ्ट कर दूँगी। तो मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ, निकालने में दिक्कत तो होगी पर हाँ निकालते हैं, चलो ठीक है फिर, क्योंकि रूट बॉन्ड में प्लांट बहुत मुश्किल से निकलता है। इसी तरह से इसे कवर कर लिया है इसने, और जब रूट बॉन्ड हो जाता है ना तो क्या दिक्कत होती है, आप चाहे खाद दो चाहे पानी दो, प्लांट अच्छे से ले ही नहीं पाता है, पानी डालोगे सूख जाएगा, तो दिक्कत ये हो जाती है इसमें। तो मैं इसे थोड़े से 20 लीटर की बकेट में लगाऊंगी मैं इसे, और इसकी इन जड़ों को निकाल देती हूँ क्योंकि वरना फिर से ये परेशानी करेंगे, तो इसलिए मैं इन सब जड़ों को निकाल दे रही हूँ इस तरह से। आज मौसम अच्छा हो रहा है, देखिए बादल हैं, और कल की तो खूब बारिश बताई है, तो इसलिए कुछ प्लांट मैं देने भी जा रही हूँ कि जिससे कि ये चल जाए। ये गुलाब दूंगी और ये पिटूनिया दूंगी, ये पिंक वाली, तो ये प्लांट भी कुछ दे आऊँगी जिससे कि ये सर्वाइव भी अच्छे से कर जाएंगे। और इसे मैं अब कट करके थोड़ी सी शेप में ले आऊँ जिससे कि उसमें बकेट में आ जाए, क्योंकि उसमें पहले से ही मिट्टी तैयार करके रखी हुई है मैंने। तो इस तरह से, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि अभी मौसम अच्छा है, तो ये आराम से चल भी जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ऐसे मौसम अच्छा हो तो आप इजीली इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, है ना। अब इसकी मिट्टी को मैं एज इट इसमें इसे तो नहीं डालूंगी उस मिट्टी में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से मिट्टी भरी हुई है, बट हाँ इस मिट्टी को मैं इसी बकेट में भर दूंगी जिससे कि ये दोबारा रीयूज हो जाए। मौसम बहुत ख़राब होने लगा है, बारिश काफ़ी तेज़ी से लग रहा आ रही है, तो इसे मैं इस मिट्टी को दोबारा रीयूज़ कर लूँगी। ये वाली में खाद पड़ी हुई है ऊपर ऊपर, एक ये बालसम है, एक तो ये बालसम बहुत निकल रहे हैं हर जगह, वो गुलामास इसे कहते हैं, 4 o'clock। तो इस मिट्टी को मैं दोबारा रीयूज़ कर लूँगी उसी में। चलो फिर अभी इसे मैं बकेट में डाल देती हूँ अपने ले जाके। देखिए कितना अच्छा प्लांट है, हेल्दी प्लांट है, बट वही समस्या यही आ रही है इसमें, ये ऐसे लगा डाल दूंगी। ये है मेरे बकेट की बकेट, ये देखिए है ये, तो मैं इसी में डाल दूंगी इसे। ये सनफ्लावर भी इसमें निकल रहा है, चलो कोई नहीं निकलने देते हैं इसे इस तरह से। अब इसमें मैं मिट्टी भर दूंगी ऊपर से, फिर से फिल कर दूंगी जिससे कि आराम से इसे चल जाएंगे ये, है ना। वैसे इस बास्केट को निकाल ही लेना चाहिए, मैं निकाल ही लेती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, जब ये लगाई थी तो बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो मुझे ऐसे भागना पड़ा जल्दी जल्दी में, वीडियो शूट करना ही भूल गई, तो ये बाद में मैं शूट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये इसमें मैंने लगा दिए, ऊपर से खूब अच्छे से मिट्टी वगैरह भरती थी, और फिर भी बारिश बहुत तेज़ हुई थी तो हालत ख़राब हो गई थी इस प्लांट की। अब ये शांत है, जब बारिश रुकने के बाद में जब छत पे आई हूँ तब मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये रूट्स दिख रही हैं, ये टेंशन मत लीजिए, रूट जो इसकी जड़ें निकाली थी, कट की थी, वही मिट्टी है, और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सही सलामत है। डर तो लग रहा था कि ये उखड़ ना जाए, मगर फिर भी ये चलो हेल्प हो गई, क्योंकि इधर ये भी लगा हुआ था ना सनफ्लावर, तो इसकी वजह से ये बच गया, इसलिए ये ऐसे ही रहने दी। इसका बेनिफिट यही हुआ कि ये इसे सपोर्ट देता रहा, ये निकला नहीं। ये देखिए मेरी इलायची के भी फूल तैयार हो रहे हैं, काफ़ी हर ब्रांच के फूल आ रहे हैं इलायची के, और इसमें भी काफ़ी फूल आ रहे थे, तो बर्ड्स भी आई हुई है, तो फूल तो झड़ रहे, बर्ड्स रह गए। देखिए कैसे आंधी आई थी, जो भयंकर डर लग रहा था कि ये उड़ ना जाए, ये मैंने शूट किया था जब बारिश रुक गई थी, अंदर चल रहा था, और ये बात के आराम से ये चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।